बबन देहाती के बारे में तो सबको जानता है, लेकिन बबन देहाती के माता पिता क्या करते हैं? हमारे पिताजी, आपकी शादी हुई कि नहीं बबन देहाती? नहीं, मेरा हो गया, शादी हो गया, मेरा हो गया है, एक बच्चा भी है 5 साल का, और हमारे साथ गुमला जिला में हुआ है ना। आप सतीश दास को सुनते होंगे शायद, उनका कोई गजल हो दिल जहन में तो आप एक बार गुनगुनाएंगे? उनका गाना बहुत पहले गाते थे, एक जैसे था दो ही लाइन गाएंगे कि छम छम बाजे जब तोर पायल दिल में होए बवा, अरे छम छम दो तीन पता है तोर तोर बेटा के पढ़ेलू, ओ बेटा होई गेल अबे रे सयान, बोला हाय रे हाय, ओहो बेटा जनी के गुलाम, अपन राज में टाटा अब रख कोयला के भंडार रे, अपन राज में टाटा अब रख कोयला के भंडार रे। बबन देहाती के बारे में तो सबको जानता है, लेकिन बबन देहाती के माता पिता क्या करते हैं? हमारे पिताजी तो नहीं है, वो भी कलाकार थे अपने इलाके में, और हमारी माता जी तो हाउस वाइफ है ना, हाउस कम, और आपकी शादी हुई कि नहीं बबन देहाती? नहीं, मेरा हो गया, शादी हो गया, मेरा हो गया है, एक बच्चा भी है 5 साल का, और हमारे साथ गुमला जिला में हुआ है ना। और शादी होने के बाद परिवार का खर्चा कैसे चलाते हैं बबन जी? क्योंकि कभी यहाँ देखा जाता है, कभी स्पोर्ट करते हैं मुंबई में लोग, कभी ये टोपी चढ़ा के, कभी ब्लेजर चढ़ा के, कभी कुर्ता चढ़ा के, कैसे मेंटेन करते हैं? नहीं दादा, जैसे ये तो अपना आंदोलन वाला सभा हो गया, झूमर का भी कार्यक्रम, जागरण का भी कार्यक्रम करते हैं, इसके बाद जो स्टेज शो वगैरह कार्यक्रम में जाते हैं, बढ़िया है, और बस मौका और प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए हम लोग। अच्छा, जागरण वगैरह में कितना कमा लेते हैं? कोई नहीं पूछा, इसे पर्सनल सवाल पूछ? नहीं दादा, जरूर जरूर, एक कार्यक्रम में मतलब 2,000-2,500 जो भी है मिलता है ना। अच्छा, कब आपको लगा कि मेरा लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है, और उस दिन से आप बोले कि नहीं यही फॉलो करेंगे? नहीं दादा, हम जो है सो बहुत पहले मुंबई भी गए हैं, जिस तरह आज हम मुंबई में देख के आए ना प्रवासी भाई लोग के लिए, तो कभी हम भी मुंबई गए थे 2012 में, हम भी मुंबई गए और वहाँ होटल लाइन में काम किए, होटल लाइन में काम किए, उसके बाद कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, होटल में काम करके फिर होटल में काम किए, फिर 2000 आ गए, 6-7 महीने के बाद आए 2015 में फिर गए, और एक वहाँ पे होटल ही होता है जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा टाइप का रहता है, जिसको बोलते हैं वहाँ ऑर्केस्ट्रा बार, उसमें हम सिंगिंग का काम किए, और उसमें हम लगभग 7-8 वहाँ पे कौन सा गाना गाते थे? हिंदी गाना गाते थे, हिंदी गाना। कोई अगर यदि आपके जहन में हो जो मुंबई के दौर में गाया करते थे, एक बार हो जाए एकदम बढ़िया से थोड़ा सा हिंदी गाना भी गला बैठा हो, हालांकि बहुत गाते थे और गाते भी हैं, फिर भी दो लाइन अगर उससे बोलिएगा तो दो लाइन। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, भूल रहे हैं लिरिक्स, भूल रहे हैं है ना, तो बड़ा अच्छा, तो ये सब गाते थे, जैसे था क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, ओ दिन जिंदगी का आखिरी गम होगा, क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा, भूलेगा दिल, थोड़ा लिरिक्स बहुत साल से नहीं गा रहे हैं। दूसरा और, दूसरा कोई गाना, दूसरा हाँ, कोई हिंदी गाना, और हिंदी गाना के लिए सोचना होता है इस... अच्छा, हमारी माटी की, आप सतीश दास को सुनते होंगे शायद, हाँ, उनका कोई गजल हो दिल जहन में तो आप एक बार गुनगुनाएंगे? उनका गाना बहुत पहले गाते थे, एक जैसे था दो ही लाइन गाएंगे कि छम छम बाजे जब तोर पायल दिल में होए बवा, अरे छम छम बाजे जब तोर पायल दिल में होए बवाल, मोरा दीवाना कर गे लईगे तोर मस्तानी चाल, मोरा दीवाना कर गे लईगे मस्तानी तोर चाल, है ना, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पहले गाते थे। और एक आध गो जो झारखंडी कलाकार कहा कर, दिल में आपका जो नहीं, अपने ही गाना है, अपने ही गाएंगे हम, ज्यादा दूसरा के गायकर का गाना नहीं गाएं दादा, अच्छा। अपने से लिखते हैं, और अपना ही कोई जैसे था अरे दो तीन पता है तोर तोर बेटा के पढ़ लू,
ओह बेटा होई गेल अबे रे सायान, बोला हाय रे हाय, ओह बेटा जनी के गुलाम, बोला हाय रे हाय, ओह बेटा जनी के गुलाम। हम जो गाना बनाते हैं दादा, कोशिश करते हैं उसमें मैसेज देने का, और हर गाना में मेरा एक मैसेज रहता है, तो इसमें भी एक मैसेज बनाए थे कि कैसे आज के परंपरा में माँ बाप को लोग भूलते जा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वही है कि दो तीन पते तोर तोर बेटा के पढ़ेलू, ओह बेटा होई गेल अबे रे सायान, बोला हाय रे हाय, ओह बेटा जनी के गुलाम, बोला हाय रे हाय, ओह बेटा जनी के गुलाम। अरे बेटा हालक मैट्रिक फाइल बहु एलक बीए, आही घमंड में करे नहीं ती है, बोला हाय रे हाय, ओह बेटा जनी के गुलाम, बोला हाय रे हाय, ओह बेटा जनी के गुलाम। अरे बापे जो तय हारे खेत बेटा चले यारी, अरे बापे जो तय हारे खेत बेटा चले यारी, कहला पर बेटा पुतो देवे दुनो गारी, बोला हाय रे हाय, ओह बेटा जनी के गुलाम, बोला हाय रे हाय, ओह बेटा जनी के गुलाम। अच्छा, अंतिम में अपना जो दिल का करीब हो और खतियानी वतियानी से रिलेटेड हो, उसे दो लाइन दर्शकों का हो जाए जाते जाते। हाँ, दूल्हे नहीं गाएंगे कि अभी अभी एक मतलब तत्काल ही गाना बनाए थे, जो जो अभी आए ना मुंबई से घूम के, दो लाइन गाएंगे, थोड़ा भूलेंगे अलग बात है, मगर उसको लिखे भी नहीं है, है ना। अपन राज्य में टाटा अब रख कोयला के भंडार रे, अपन राज्य में टाटा अब रख कोयला के भंडार रे, अपन राज्य में कोयला अब रख टाटा के भंडार रे, बड़ा अच्छा बोल गए थोड़ा सा, है ना। अरे थोड़ा सा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया था गाना, है ना, बनाया थे कि दर दर भटकेला झारखंडी बाहर रे, दर दर भटकेला झारखंडी बाहर रे, दोहराते हैं इसको, है ना, कि अपन राज्य में टाटा अब रख कोयला के भंडार रे, अपन राज्य में टाटा अब रख कोयला के भंडार रे, दर दर भटकेला झारखंडी बाहर रे, बाल बच्चा माय बाप छोड़ी के देश रे, बाल बच्चा माय बाप छोड़ी के देश रे, दर दर भटकेला झारखंडी परदेश रे, दर दर भटकेला, दस बाय दस कमरा में बीते जीवन रे, सपना साकार करे यही परदेश रे, महुआ रे सखुआ हमवा के छाव रे, बड़ा याद आवई अपन गाँव रे, याद आवई रे दादा नूनू के माय रे, दर दर भटकेला झारखंडी भाई रे, दर दर भटकेला झारखंडी भाई रे। जो हम लोग वहां देखे ना दादा, 8 दिन हम लोग रहे हैं, और जो झारखंडी लोग का वहां देखे दर दर भटकना, तो वही चीज को हम गीत में पुरोए हैं, और कभी मंच में भी गाएंगे, है ना। अब आपका पहली बार गा, कमिंग सॉन्ग कौन है आपका? बहुत सारा है दादा, और जयराम दादा का एक मेरा निर्देश भी मिला है, जब मुंबई में थे हम लोग, बहुत समय बहुत ज्यादा बिताए साथ में, एक कमरा में ही रह के 7 दिन 8 दिन बिताना वैसे व्यक्ति के साथ में, हमको भी क्या निर्देश मिला, तो हमको बोले कि दादा आप मंच में सिर्फ ज्यादा गाना गाते हैं, तो आपको म्यूजिक के साथ में निकालना है, क्योंकि गाना आपका मंच में गाते हैं मगर आपका म्यूजिशियन से नहीं आ रहा है, तो लोग बजा नहीं पाते हैं, लोग उसको शेयर नहीं कर पाते हैं। तो दादा भी एक देखते हैं टाइगर दादा की कलाकार को बहुत सम्मान देते हैं, हर कलाकार को, आज जितने कलाकार हैं, और आने वाले दिन में हमको लगता है कि जब वो भविष्य में CM बनेंगे, तो वो कलाकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म काम प्लेटफॉर्म देने का कोशिश जरूर करेंगे, ऐसा लगता है, इसीलिए हम लोग उनके साथ में हैं, तो उनका निर्देश आया है, तो जरूर हम आने वाला दिन में जो जो गाना है इन गानों को मैं मतलब कोशिश करेंगे कि म्यूजिक के थ्रू निकालें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं देहाती गायक सिंगर बबन सिंह के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जिस तरह का इनका गला है, क्या लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन का सुपरस्टार क्या गायक देहाती बबन सिंह होंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय झारखंड, जय झुमका।